विराट कोहली के बल्ले को लगी जंग, बेबस नजर आ रहे हैं विराट कोहली, आईपीएल 2022 छोड़ेंगे विराट कोहली। दोस्तों, विराट कोहली का खराब फॉर्म खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लंबा अरसा हो गया है विराट कोहली के बल्ले से सेंचुरी निकले हुए, लेकिन अब तो बात विराट कोहली के फॉर्म पर आ चुकी है, क्योंकि इससे पहले तो विराट कोहली चलो सेंचुरी नहीं बना पा रहे थे, वो हाफ सेंचुरी तो जड़ देते थे, लेकिन अब तो विराट कोहली जीरो पर आउट हो जा रहे हैं। आईपीएल 2022 में विराट कोहली लगातार दो बार गोल्डन डक पर आउट हो गए। विराट कोहली हैदराबाद के खिलाफ जीरो रन पर आउट हुए, इससे पहले वो लखनऊ के खिलाफ भी जीरो रन पर आउट हुए थे। ऐसे में विराट कोहली के फैंस को अब चिंता होने लगी है, क्योंकि विराट कोहली जिस तरीके से खराब प्रदर्शन कर रहे हैं उसने टीम इंडिया की टेंशन भी बढ़ा दी है, क्योंकि इस साल T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है और अगर विराट कोहली का यही फॉर्म रहा तो टीम इंडिया का वर्ल्ड कप में अच्छा खेल पाना मुश्किल होगा। लगातार दो गोल्डन डक पर आउट हुए विराट। आईपीएल 2022 में विराट कोहली लगातार दो बार गोल्डन डक का शिकार हो चुके हैं। विराट कोहली लखनऊ के खिलाफ बेबस नजर आए थे और पहली ही गेंद पर आउट हो गए। वहीं हैदराबाद के खिलाफ भी विराट कोहली पहली ही गेंद पर स्लिप में अपना कैच थमा बैठे। इस बार वो मार्को एंसन का शिकार बने। रनों के लिए तरस रहा है विराट का बल्ला। विराट कोहली आईपीएल 2022 में बेहद ही खराब फॉर्म में चल रहे हैं। विराट कोहली ने आईपीएल 2022 में अब तक 8 मैचों में सिर्फ 119 रन बनाए हैं। उनके नाम एक भी हाफ सेंचुरी तक दर्ज नहीं है। आईपीएल 2022 के शुरुआती मैचों में चलो विराट कोहली कुछ रन बना रहे थे और लग रहा था कि जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा विराट कोहली और ज्यादा रन बनाएंगे, लेकिन यहां तो हालत और ज्यादा खराब जब हो गई जब विराट कोहली लगातार दो बार जीरो पर आउट हो गए। ऐसे में अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि आगे विराट कोहली क्या करेंगे, क्या आईपीएल 2022 छोड़ेंगे विराट कोहली। विराट कोहली को टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री और पूर्व इंग्लिश बल्लेबाज केविन पीटरसन ने सलाह दी है कि वो क्रिकेट से कुछ महीनों का ब्रेक ले ले। केविन पीटरसन ने तो यहां तक कह दिया है कि विराट कोहली को क्रिकेट से 6 महीने का ब्रेक ले लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रवि शास्त्री भी विराट कोहली को ब्रेक लेने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या विराट कोहली ब्रेक लेंगे, क्योंकि विराट कोहली को अगर ब्रेक लेना होगा तो उन्हें आईपीएल 2022 से ही ब्रेक लेना होगा, क्योंकि इसके बाद टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप से पहले कई सीरीज खेलनी है और विराट कोहली को टीम इंडिया के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी होगी, जिससे वो दूसरी टीमों के खिलाफ सीरीज में जब खेलेंगे तो अच्छे रन बनाकर कॉन्फिडेंस हासिल कर सकेंगे। वहीं टीम इंडिया को इस साल इंग्लैंड का दौरा भी करना है। ऐसे में विराट कोहली के लिए अगर ब्रेक लेने की जगह बचती है तो वो आईपीएल ही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या विराट कोहली आईपीएल छोड़ेंगे और अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो ब्रेक कब लेंगे, जिससे कि वो कुछ समय शांति से बिता सके और फिर वो क्रिकेट के मैदान में वापसी कर सके और धमाकेदार अंदाज में शानदार शतक पे शतक जड़े। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली को आईपीएल 2022 से ब्रेक ले लेना चाहिए, क्या विराट कोहली का जो फॉर्म अब खराब चल रहा है ब्रेक ही उसको सही करने का आखिरी रास्ता बचा है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।